नमस्कार। राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा व सहयोगी दलों के नेताओं की ओर से की गई अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नारायणपुर और बानसूर की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रैगर, पूर्व सरपंच सिंबुदयाल सैनी, सरपंच लोकेश रैया, बानसूर अध्यक्ष भीम सिंह गुजर, पूर्व अध्यक्ष महेश चंद सैनी, हीरालाल धाबाई, देशराज गिराटी, रामस्वरूप मुक्कड़, कल्लूराम गुवारिया, कमलेश प्रजापत, भैरूसाई रैगर, बुद्धाराम यादव, रणजीत कसाणा, गिरिराज प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता राहुल गांधी का चरित्र हनन किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है भाजपा के सांसदों द्वारा। उल्टी सीधी बातें करके उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है, जिनके खानदान का एक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने हर जगह हर पीढ़ी में बलिदान दिया है, और आज उनको देशद्रोही घोषित किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा जिनकी सरकार है। तो इसके विरोध में कांग्रेस ब्लॉक नारायणपुर की तरफ से धरना दिया जा रहा है कि उनको सद्बुद्धि आए, उनको सबक मिले और वो अपनी जबान बदलें। जो देश में करने ये काम है वो करें। नेताओं का चरित्र हनन करने से कुछ मिलने वाला नहीं, विकास होने वाला नहीं है। इसलिए उनके विरोध में ये प्रदर्शित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार होश में आए और वो काम करे जो देश की भलाई के लिए हों। नेहरू जी का चरित्र हनन कर रहे हैं, उनकी बेटी और भतीजियों के फोटुओं को असली फोटो बताकर छाप रहे हैं और उनके विरुद्ध बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं। यह हमें कतई मंजूर नहीं। कांग्रेस इसका सख्त विरोध करती है। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारी पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सब जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है। हम सबकी मांग है, केंद्र सरकार में मंत्री जी हैं रवनीत बिट्टू जी, उन्होंने राहुल गांधी जी को कई बार अपने भाषणों में लगातार, कल भी कहा है आतंकवादी कह रहे हैं वो, लगातार एक भाजपा समर्थित पार्टी है, उस उनके विधायक हैं बुलडाना से विधायक है संजय गायकवाड़ जी, उन्होंने जीभ काटने की बात कही है कि जो राहुल गांधी जी की जीभ लेके आएगा मैं उसको 11 लाख रुपये इनाम दूंगा। यह आतंकवाद मतलब किस आधार पर कह रहे हैं? हम सब चाहते हैं कि भाई ऐसे अभद्र लोगों से इस्तीफा लिया जाए। राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के समर्थन में है। हम सब शांति अमन चैन चाहते हैं, लेकिन ये लोग किस आधार पर क्या करते हैं अब ये तो इनका ये जाने। हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एक साथ मिलकर ज्ञापन भी देंगे। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जो एक सर्वाधिक पद पर आश्रित हैं, उनके प्रति भाजपा और भाजपा समर्थित दलों का राहुल गांधी जी के प्रति जो अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। संजय गायकवाड़ जी कहते हैं उनकी जीप काट लेंगे तो 11 लाख रुपए इनाम देंगे, और वो रवनीत बिट्टू है, उसकी पीढ़ियां कांग्रेस में बीत गई, वो बीजेपी में नया है, उसको पता नहीं बीजेपी का क्या इतिहास है, कांग्रेस का क्या इतिहास है, उसकी पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं। वो आदमी ये कह रहा है राहुल गांधी आतंकवादी है, उनके दादा ब्लू स्टार में, ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए, उनको वो लोग भूल गए अपने परिवार को, और फिर बीजेपी की रंग में रंग के और बीजेपी के लोगों को खुश करने के लिए वो लोग चाटू काट करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बीजेपी के लोग ना तो महंगाई पे बोलते हैं, ना विकास पे बोलते हैं, ना परीक्षा में जो घोटाले हो रहे हैं पेपर लेकर उनके बारे में कुछ बोलते हैं, आम जन में जो समस्याएं उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करते हैं, जिससे देश में जनता के प्रति माहौल खराब होता है। ये गलत है। पूरी कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में आज ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे धरना दे रहे हैं, और यदि ये बीजेपी के नेता बाज हैं तो इनके खिलाफ ज्यादा संगठित होकर आगे से और भी रूपरेखा के धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। ये हमारे नेता सम्मान्य श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो रणजीत सिंह सांसद बीजेपी के, उसने अनगिनत बातें की है, उनकी धमकी दी गई है। तो ये जो राहुल गांधी जिस देश के लिए, जिस परिवार ने,
अपनी जान की परवाह करते हुए इस देश को आजादी दिलाने के लिए चाहे कोई सा मुद्दे लगा लो, सम्मान हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी बयानबाजी, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो ऐसी बातें हो रही हैं इस देश में, तो हम उसके खिलाफ ज्ञापन देना चाह रहे हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी का परिवार एक है और सब हम SDM साहब को ज्ञापन देंगे। भाजपा सरकार के मनमाने रवैये और लोगों पर जो शोषण जो किया जा रहा है उसके विरोध में हमारा नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं, जनता के पक्ष की बात रखते हैं, उससे भाजपा सरकार का मनमानी रवैया या वो जो लोगों का शोषण जो मनमाना रवैया अपनाते हैं वो उनका नहीं चल पा रहा है। इसलिए नवनीत बिट्टू सहित कुछ भाजपा के नेता हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को ओछे शब्दों से और घृणित शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उसके विरोध में हमारे ब्लॉक नारायणपुर और ब्लॉक बानसूर सम्मिलित रूप से भाजपा सरकार के विरोध में BJP सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम उनकी सख्त से सख्त विरोध करते हैं।